इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चुनाव आज आयोग की सर्वदलीय बैठक होगी। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, चुनाव आयोग रैलियों पर पाबंदी लगा सकता है। चुनाव प्रचार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी और रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है आज इस बैठक में। तो रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है और इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग के पास ये अधिकार है और अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से है, आज आयोग की सर्वदलीय बैठक होगी और चुनाव आयोग रैलियों पर पाबंदी लगा सकता है। तो चुनाव प्रचार से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है, जिसको लेकर के आज बता दें आपको कि रैलियों के बजाय अब डोर टू डोर प्रचार का प्रस्ताव रखा जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अरविंद विद्रोही जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, जिस तरीके से ये सर्वदलीय बैठक होनी है और ये माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही साथ ये फैसला लिया जा सकता है कि अब रैलियों के बजाय डोर टू डोर प्रचार किया जाए। आप देखिए क्या निर्णय होता है, आज तो चार रैलियां जो है अमित शाह जी की और पांच जेपी नड्डा जी की लगी है, बाकी विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन का भी होता है, तो डोर टू डोर कैंपेन में कितने लोग साथ चल सकते हैं और कितना कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये भी चुनाव आयोग को देखना समझना होगा। दरअसल चुनाव प्रक्रिया में जितनी भी बातें कोविड-19 के बचाव के लिए दिशा निर्देश है उसका किसी का पालन होता संभव दिख नहीं रहा है। कहने को तो होगा कि कह लेंगे, डोर टू डोर कैंपेन में भी रहेगी वही चीज, कैसे कोई मास्क लगा के चलेगा नहीं। और नेता अभी भी जो है, चाहे जिस पार्टी को अभी भी उनकी फोटो वो खूब डाल रहे हैं ट्विटर वगैरह पर कि जिस लोग मास्क नहीं लगाए हैं, बगल में लोग खड़े हैं, तो ये सब स्वास्थ्य निर्देश कुछ तो बड़े लोग बड़े जिम्मेदार पदों पर लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी आम जनता ने तो जो गलती किया है सावधानी बरती है उसका खामियाजा भी हम सारे लोग भुगत रहे हैं संक्रमण के बढ़ते स्तर को देख के। जी, लेकिन अरविंद जी बात ये एक समझ नहीं आ रही है कि जहां एक तरफ की सरकार ये कहती है कि दो गज की दूरी बेहद जरूरी है, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, ये बेहद जरूरी है कह रही है, लेकिन लगातार पार्टी के नेताओं द्वारा रैली की जा रही है और उस रैली में जो संबोधन होता है उस दौरान कहीं नहीं कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कितना अन्याय संगत है ये। बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बातें तो ठीक बहुत अच्छी हुई और लोगों को मेरे समझ से पारित करना भी चाहिए। राजनेता किसी भी पार्टी के हो वो अपना काम कर रहे हैं, कुर्सी के लिए सत्ता के लिए वो प्रयासरत है। आम जनता को वक्त समझ करके चुनावी प्रक्रिया से भीड़ भाड़ से अपनी दूरी बनाए रखना चाहिए, अपनी रक्षा अपने आप करना रहेगा। किसी भी महामारी में सरकार की प्रशासन की चिकित्सा की व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है, फेल हो जाती है। आंकड़े भले ही आंकड़े सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए आंकड़े हो, लेकिन जिस परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, मृत्यु होती है, उसका पूरा जीवन चला जाता है, एक उसके घर का हिस्सा मिल जाता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि हर व्यक्ति अब चुनाव से प्रक्रिया से भीड़ भाव से खुद को दूर रखे, सेल्फ लॉकडाउन की स्थिति बनावे, बहुत जरूरी होने पर निकले। और नेताओं का जो बड़ा बुरा हाल है वो बहुत बेसर्वी से अपनी फोटो अभी भी बिना मास्क के और लोगों को स्वागत कराते हुए डाल रहे हैं। अभी किसको क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गैर जिम्मेदारी का हरकत जिम्मेदार लोग कैसे कर रहे हैं। वो भी तब जब प्रधानमंत्री गृहमंत्री सारे लोग अपील कर रहे हैं और खुद रैलियों में खुद देख रहे हैं, गृहमंत्री भी कितनी भीड़ है और वो अपील भी करते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।